हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं समृचार्या एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, केवीएस की जो डेट शीट है, एग्जाम डेट है, वो आ चुकी है। यानी आपके फरवरी से मार्च तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो आप लोगों ने तैयारी को बेहतर तरीके से कर ली होगी और जो आप लोगों की प्रैक्टिस है, रिवीजन है, उस पर आप लोगों ने अपना ध्यान दे दिया होगा। तो बात करते हैं अपनी जो चल रही थी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट और केवीएस की जो क्लासेस हमने स्टार्ट की थी, उसमें हम भूगोल की क्लास को लेकर जो सेकंड क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट क्लास में भूगोल में हमने भारत के बारे में, भारत की विस्तार, भारत की सीमा सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। अगले जो वीडियो में डिस्कस करना है वो भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी भौगोलिक रूप से भारत का विभाजन किस तरीके से हुआ है, ये हमें ध्यान से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। भारत को भौगोलिक रूप से चार भागों में बांटा गया है। भारत को भौगोलिक रूप से, भौगोलिक का मतलब होता है भूगोल के, यानी पृथ्वी के रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। अब वो चार भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है वो है उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र। यानी आप लोगों ने भारत का जो मैप आप लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि ये जो भारत है, भारत का ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ये जो आपका है वो ये मान लिया आपने भारत है। अब आपका भारत का जो उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, तो ये आपका क्या है, पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। अब यहाँ से आपको जो उत्तरी भाग है ये आपका पूरा हिमालय वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा क्या है, हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ से आप हिमालय को, भारत को भौगोलिक रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, यानी ये है उत्तर भारत का जो आपका हिमालयी क्षेत्र है वो आपका ये रहा। अब बात करते हैं उत्तर का मैदान एवं मरुस्थल, यानी ये जो अब इसके बाद जो पार्ट आया है, ये वाला जो पार्ट, इस पार्ट में रहता है आपका उत्तर का मैदान एवं मरुस्थल। बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो हिस्सा है वो है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो भाग है वो है द्वीपीय समूह एवं तटीय मैदान। तो भारत को कुल कितने भागों में बांटा गया है, भारत को भौगोलिक रूप से चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, फिर होता है उत्तर भारत का उत्तर का मैदान एवं मरुस्थल, फिर होता है प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद आता है द्वीपीय समूह एवं तटीय मैदान। ये बात आपको नोट करके रखनी है, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं पहला जो है उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें लिखा है उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, हिमालय की जो उत्पत्ति है उसको क्या कहा है, प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। यानी हिमालय की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति हुई है, वो प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है, यानी हिमालय जो पर्वत आता है वो नवीन बलित पर्वतों में आता है। हिमालय का जो विस्तार है वो भारत पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, पहला होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, उसके बाद आती है शिवालिक पर्वत श्रेणियां। तो कितने भागों में बांटा गया हिमालय को, चार भागों में। कौन कौन सा, पहला आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक पर्वत श्रेणियां। बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी वो सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले जो हिमालय बना हुआ था, सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था, सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय, उसको क्या नाम दिया गया है, ट्रांस हिमालय दिया गया है। अतः यह सबसे प्राचीन हिमालय है, यह जो है वो क्या है, सबसे प्राचीन हिमालय में माना जाता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत आदि स्थित है। यानी जो भारत के जो पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत हैं, यानी जो आपकी जो बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं जिस पर, वो पर्वत जो है वो इसी ट्रांस हिमालय पर स्थित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम ने आपने सुना होगा, लद्दाख पर्वत और इसके बाद जैसकर पर्वत, तीनों पर्वत यहाँ पर स्थित है। इसके बाद करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन, यानी केटू जो ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन केटू, ये इसकी जो आपकी ऊंचाई वो है 8611 मीटर, काराकोरम रेंज पर स्थित है, यानी काराकोरम पर्वत पर स्थित है। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय की।
ग्रेट हिमालय क्या है, इसको बृहत हिमालय भी कहा जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। यानी ग्रेट हिमालय पूछा जाए, बृहत हिमालय पूछा जाए और हिमाद्री पूछा जाए, तीनों एक ही चीज है। अब बात करते हैं विश्व की जो अधिकांश पर्वत चोटियां हैं वो बृहत हिमालय पर स्थित है। यानी विश्व की जितनी भी बृहत अधिकांश पर्वत चोटियां कौन कौन सी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद आता है नंदा देवी। तो कौन कौन सी, सबसे पहला होता है माउंट एवरेस्ट, कौन सा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका नेपाल में, उसके बाद जो बड़ी चोटी होती है वो कंचनजंगा, कंचनजंगा ये जो है आपकी सिक्किम में है, इसके बाद है आपका नंदा देवी, यानी नंदा देवी पर, और नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो ये जो तीनों सबसे बड़ी चोटियां हैं विश्व की, जो बड़ी चोटियां हैं वो किस पर्वत पर है, ग्रेट हिमालय पर आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो माउंट एवरेस्ट है, जो कंचनजंगा है और जो आपकी नंदा देवी पर्वत शिखर है वो आपका कहाँ पाया जाता है, ग्रेट हिमालय, बृहत हिमालय, और इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ लघु हिमालय की, तीसरा जो होता है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में बात करते हैं, लघु हिमालय इस हिमालय में पीर पंजाल पर्वत एवं धौलाधार पर्वत, भारत के अधिकांश जो पर्यटन हैं वो इसी हिमालय पर पाए जाते हैं। यानी कौन से हिमालय पर, लघु हिमालय पर कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, लघु हिमालय इस हिमालय में पीर पंजाल पर्वत एवं धौलाधार पर्वत, और ये धौलाधार जो पर्वत है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में है, और भारत के अधिकांश जो पर्यटन केंद्र है लघु हिमालय में स्थित है। शिमला जैसे पर्यटन केंद्र है, शिमला वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी जो आपका पर्यटन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी आपका जो पर्यटन क्षेत्र है वो उत्तराखंड में है, और जो रानीखेत आपका है वो उत्तराखंड में है। तो ये जो आपके पर्यटन क्षेत्र है वो भी आपके लघु हिमालय में है। इसकी बात करते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय क्या है, इस हिमालय का निर्माण सबसे अंत में हुआ था, यानी सबसे जो लास्ट में जो हिमालय की जो सीरीज है चौथा हिमालय है वो सबसे अंत में हुआ है, अतः यह जो है वो सबसे नवीनतम हिमालय है। यानी हिमालय तो नवीनतम बलित पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है वो नवीनतम बलित पर्वत है, लेकिन उसका हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है वो उसके हिमालय के जो भाग है, चार भाग है, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अब जो शिवालिक है इसको कहा जाता है सबसे नवीनतम पर्वत कहा जाता है, किसका, हिमालय का, जिसको सबसे नवीनतम हिमालय कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमालय का, ये जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, पश्चिम यानी ये रहा और पूर्व यानी ये रहा, तो हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो विभाजन है वो किस तरीके से कहां तक फैला हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखा पंजाब हिमालय पहला जो है वो आपको पंजाब हिमालय इस एरिया में पड़ता है, पंजाब हिमालय कहां से कहां तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसकी जो रेंज है वो क्या है, फैला हुआ है। अब इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहां से होता है, सतलज से काली नदी के बीच में, काली नदी तक ये इसका विस्तार जो है वो माना जाता है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कहां से कहां तक है, ये काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक इसका विभाजन है या फिर ये फैला हुआ है। और इसके बाद आता है असम हिमालय, असम हिमालय कहां से कहां तक है, तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये माना जाता है असम हिमालय। तो आपको ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इनका पश्चिम से पूर्व जो विभाजन है इसको याद रखना है। पहला कौन सा है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी तक फैला हुआ है। उसके बाद जो आपका आता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहाँ से, सतलज नदी से काली नदी तक इसका विभाजन माना जाता है। फिर आता है आपका नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय काली नदी से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है आपका सबसे जो लास्ट में आता है वो आता है असम हिमालय, ये आता है तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये इसका विस्तार है। तो ये रहे भूगोल की आपकी सेकंड क्लास, जिसमें आपने जाना भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को भौगोलिक रूप से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सुपर फास्ट, भारत को भौगोलिक रूप से चार भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी मरुस्थल, फिर होता है प्रायद्वीपीय पठार, फिर होता है द्वीपीय समूह एवं तटीय मैदान, जिसमें हमने पहला भाग डिस्कस किया है आप लोगों के सामने उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, जिसमें हमने हिमालय पर्वत को डिस्कस किया है। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में
बांटा गया, कौन कौन? त्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक पर्वत। त्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीनतम है और इस पर काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जैस्कर पर्वत स्थित है। और की जो सबसे बड़ी, सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कोल्बेनोस्टेन, उसकी जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ये जो है वो काराकोरम पर्वत पर ही स्थित है। यानी काराकोरम पर्वत कहाँ पर? ट्रांस हिमालय पर है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को क्या कहा जाता है? बृहत हिमालय, और इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। इस विश्व की अधिकांश जो पर्वत चोटियां जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गए, नंदा देवी हो गए, कंचनजंगा हो गए, वो सब यहाँ पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में, और कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय, इस हिमालय में पीर पंजाल पर्वत, धौलाधार पर्वत, जो कि पीर पंजाल पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और धौलाधार पर्वत कहाँ है? हिमाचल में स्थित है। भारत के जो अधिकांश पर्यटन क्षेत्र यानी जो घूमने वाले स्थान है, जैसे कि आपका शिमला हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, डलहौजी हो गया, ये सब आपके कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय। आपको पता है इस हिमालय का निर्माण जो है सबसे लास्ट में हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सबसे नवीनतम हिमालय कहा जाता है। अब फिर इसके बाद हमने क्या बताया आपको कि बार जो हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है? विस्तार। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हमने विस्तार बताया। पहला कौन सा है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी। इसके बाद आता है आपका कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहाँ से? आपका सतलज नदी से काली नदी तक। कुमाऊं के बाद आता है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल आपकी काली नदी से तिस्ता नदी तक। और इसके बाद आता है आपका असम हिमालय की तिस्ता नदी से आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये इसका विस्तार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप कुछ यहाँ से सीखते हो, अगर आप एक भी वर्ड यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलता है, तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और आप अपनी मेहनत करो, आप अपने जो आपने सपना देख रखा है गवर्नमेंट जॉब का, आप उसमें सक्सेस हो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने में मदद करो। इसलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।